लेकिन आते हैं जिनका जातिवाद सोच है, भाई हमको कहता है लोग जातिवाद, मेरी बीवी जो है वो ईसाई धर्म की है, अगर हम जातिवादी होते तो हम ईसाई धर्म में क्यों शादी करते। लेकिन ये बात कहने के लिए लेकिन अमित शाह आए, उन्होंने कहा कि यादव और मुसलमान का बढ़ा दिया गया, झूठ बोलना उन लोगों का काम है, हम लोगों का काम है केवल आप लोगों के लिए काम करना। अगर बढ़ाना होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्मी समाज से आते हैं तो कुर्मी जाति को नहीं बढ़ा देते, ये सब बकवास वाली बात है। और किस आधार पर बोल रहे हैं, आपके पास आंकड़ा कहाँ है? ये बिहारी है जहां पहली बार जाति आधार सर्वे हुआ है, देश में और कहीं हुआ ही नहीं है, तो आप किस आंकड़े के साथ बोल रहे हैं कि बढ़ा दिया गया हो या घटा दिया गया हो? तो ये इन लोगों को पछता नहीं ना है, काम इन लोगों को कोई काम तो है नहीं, दिन रात आएंगे इंटरमीडिएट वाला को बारहवीं का भी पढ़ाई करवा देंगे। अमित शाह जी तो बोले थे ना बारहवीं के बाद इंटरमीडिएट भी करा दे, तो जितना बुद्धि होगा उतना ही ना ज्ञान बांटेंगे भाई, तो ज्यादा कुछ हमको कहना नहीं। लेकिन हम लोग सब लोग ने ये निर्णय लिया कैबिनेट ने, जब आबादी बढ़ी है जिसकी, उसको उसी हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और एक ऐतिहासिक काम हुआ, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का और शेड्यूल ट्राइब का हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। तो आरक्षण लगभग जो है पहले 50 था, अब उसको 65% कर दिया गया और 10% सामान्य वर्ग का जैसे था वो वैसे, यानी 75% देश में बिहार ऐसा राज्य है जहां इस काम को करके दिखाने का काम किया। इसमें क्या फायदा होगा, आप लोगों को जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वहां लाभ होगा उन गरीब परिवारों को, नौकरियों में बहालियों में आरक्षण हो जाएगा तो उन लोगों को फायदा होगा। तो ये सारा काम जो है हुआ, और अभी हम लोगों ने कैबिनेट करके केंद्र सरकार को शेड्यूल 9 में रिकमेंड किया है कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए ताकि इसके साथ कोई आरक्षण के साथ छेड़छाड़ भविष्य में ना कर सके। अब आप देखते हैं केंद्र सरकार करता है कि नहीं करता है, अनुसूची में 9वीं अनुसूची में डालता है कि नहीं डालता, ये देखने वाली बात है।